आपने सुना होगा कि पानी पर लिखा मिट जाता है, लेकिन ये भी तो सुना होगा कि पानी का लिखा कभी नहीं मिटता। हमारे पूर्वज जलदान से सदियों तक अमिट छाप छोड़ते आए हैं। आज जल संकट है, बढ़ती आबादी, अतिरिक्त दोहन और बदलते मौसम के कारण हमारे जल का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इसीलिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर जुलाई वर्ष 2019 में पूरे भारत में जल की समस्या से जूझते जिलों के ब्लॉक्स की पहचान कर जल शक्ति अभियान की शुरुआत कर दी। इस दौरान जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन की संरचनाओं पर कार्य किया गया और पारंपरिक जलाशयों और अन्य जल निकायों का नवीनीकरण किया गया। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर की जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत, जिसका मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। और भारत में पानी की समस्या का समाधान हो इसलिए कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इस बार देश के सभी राज्य और जिले इस मुहिम में शामिल हुए। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत की गई है। अब लक्ष्य साफ था, जल बचाना भी था और भूजल को बढ़ाना भी था। ये भू संरचना का स्ट्रक्चर है, जमीन की जो लिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होती है उसको हमने यहाँ बना के दर्शाने की कोशिश की है। और इसका बताने का उद्देश्य ये है कि हम किस एक्वीफर में जाकर के रिचार्ज करें। व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर वर्षा जल संग्रहण का कार्य होने लगा। तालाब बन गए, कुएं भी बन गए, टैंक भी बन गया, सूखे कुएं थे उनमें पानी आने लग गया, तो हमारे अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन के दौरान नदी तालाब सरीखे पारंपरिक जल स्रोत पुनर्जीवित होने लगे। जो छतों का पानी है, बारिश का पानी है, वो एकत्रित करके जगह जगह कुंड बनाए गए हैं, उन कुंडों को सोखते कुएं से जोड़े गए हैं, जिससे कि जल स्तर है वो ऊपर उठा है और इससे पीने के पानी की जो गुणवत्ता है वो तो बढ़ी है। साथ साथ में कुओं के जल स्तर बढ़ने से खेतों में जो पानी है वो भी सिंचाई के रूप में भी काम आ रहा है, जिसे काफी लाभ मिला है। 43,000 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम व किसान मेले का आयोजन भी हुआ। देश के हर कोने में वर्षा जल संचयन विषय पर जनमानस को जोड़ने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम हुए, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। जल शक्ति केंद्रों की स्थापना की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से और GIS मैपिंग के उपयोग से सभी जल निकायों को जियो टैग किया गया और इस पर आधारित वाटर कंजर्वेशन प्लान तैयार किया गया। जल निकायों को जियो टैग करने के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन नाम का एक मोबाइल ऐप तैयार हुआ, तो सभी जानकारियों के लिए एक नया वेब पोर्टल भी बना। 22 मार्च 2021 को अभियान के शुभारंभ के बाद से 46 लाख से अधिक जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन जैसे जल संबंधी कार्य, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं के अलावा वाटरशेड विकास आदि का कार्य हुआ है। साथ ही हुआ है 36 करोड़ से अधिक वन रोपण का कार्य। भारत सरकार ने इन सभी कार्यों को पूरा करने में 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। सबकी सोच बदली और सामूहिक तौर पर भूजल का बेहतर मैनेजमेंट होने लगा। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों ने मिलकर इस जल आंदोलन को सफल जन आंदोलन बना दिया और इस वर्ष भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 कैंपेन की शुरुआत करने जा रहा है। नई सोच के साथ इस बार स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, वेटलैंड कंजर्वेशन और रिवर कैचमेंट प्रोटेक्शन जैसे कार्य भी शामिल किए जा रहे हैं। स्वयं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 कैंपेन की शुरुआत हुई। तो आइए हम सब इस अभियान को मिलकर सफल बनाते हैं, वर्षा जल बचाते हैं।